लगता है मोटू नया फ्रिज लिया है। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अबे चुतिया मोटू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ठंडा नया फ्रिज लिए हवा खा रहे थे। और तुम भी आएगा? तो हेलो दोस्तों, ये मैं फ्रिज लिया हूँ नया सैमसंग का, 236 लीटर का, लो नॉइस। जिस अगर इसकी आवाज़ की बात करें तो बहुत ही कम आवाज़ है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आई। और आप लोग ये जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। ये डबल डोर है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। आप इसका क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, इसे आप कैसे यूज करेंगे और इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर हाँ, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर 236 लीटर का। दोस्तों ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी पावर सेविंग से। तो आप जानते होंगे कि 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार रेटिंग के साथ कोई भी प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं लिया हूँ 2 स्टार रेटिंग के साथ वाला प्रोडक्ट, ये 2 स्टार रेटिंग के साथ है लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम बिजली खपत करता है। इसमें जो आप एनर्जी देख रहे हैं इसकी, वो बहुत ही कम खपत होती है। इसमें मात्र एनुअल एनर्जी कंपनसेशन मात्र 263 यूनिट है। दोस्तों ये काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है। आप इसमें अगर 20 ईयर की वारंटी देख रहे होंगे डिजिटल इन्वर्टर। सबसे पहले अभी अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप उसमें ये जरूर देख लें कि वो इन्वर्टर एक होता है। एसी भी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको डिजिटल इन्वर्टर देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको उसी तरह से 20 ईयर वारंटी के साथ डिजिटल इन्वर्टर देखने को मिल रही है। इसकी जो वारंटी कंपनी वारंटी है वो ऐसे 1 साल है, लेकिन इसकी जो कंप्रेसर की जिसका मेन चीज़ होता है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का जो मेन चीज़ होता है कंप्रेसर, इसमें आपको 20 साल का वारंटी देखने को मिलेगा। ये सैमसंग की तरफ से दिया गया है दोस्तों। तो ये है इसका, मैंने बात किया वारंटी का। ये आपको कनेक्ट इन्वर्टर 2 CFL बल्ब, आप अगर सोच रहे होंगे कि ये कनेक्ट इन्वर्टर 2 CFL बल्ब क्या लिख रहा है, तो आपकी जितने आप 2 CFL बल्ब का, अगर आपके घर में इन्वर्टर है, आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो जो आप 2 CFL एक इन्वर्टर से यूज़ करते हैं जितना बिजली ये खाती है, उतने में आप ये अपने घर के इन्वर्टर से भी इसे आप चला सकते हैं। एक है ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। अगर आप इसमें आपको आपके अगर शहर में आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ पर अगर बिजली की खपत कुछ उस तरीके से नहीं है, फ्लैक्चुएट नहीं होती है, उतनी नॉर्मल रहती है, तो कॉन्स्टेंट रहती है अगर बिजली, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया हुआ। आप डायरेक्ट इसे बिना स्टेबलाइजर का भी चला सकते हैं, इस तरीके से इसे बनाया गया है। इसमें आपको 21 ईयर्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट बाय वेराइट दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं बताया 20 साल और 1 साल इसमें आपको प्रोडक्ट का मिलता है, 20 साल इसका कंप्रेसर का मिलता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको फ्रंट का दिखाया। फ्रंट में आपको यहाँ पर सैमसंग का बैजिंग देखने को मिलेगा और ये जो कलर है ये ग्रे में लिया हूँ। ये काफ़ी प्रीमियम लुक दिखता है दोस्तों, ये मेरे घर को सूट करता है, मुझे कलर ये बहुत पसंद है इसलिए मैं लिया हूँ। ये आप यहाँ पर डबल डोर इसका देख सकते हैं, ये सिंगल डोर में भी आता है। ऐसे इसका प्राइस मैं दोस्तों इसे फ्लिपकार्ट से 22,800 कुछ में लिया हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। आप चाहे फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी से भी परचेज कर सकते हैं, 1-2 हज़ार का रेट का आसपास डिफरेंस होता है। तो ये था फर्स्ट। अब बात हम लोग देखते हैं इसकी साइड लुक। तो साइड में आपको उसी तरह के मेट फिनिश का यहाँ पर दिया हुआ है और कोई हल्के हीटिंग के इशू, हल्का सा हीटिंग का इशू शायद अभी नया है इसलिए मुझे ये हल्का हीटिंग देखने को मिल रहा है। ऐसे कुछ खास नहीं, बस यहाँ बीच में हल्की सी हीटिंग हो रही है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आपको। अब बात करते हैं इसके, अगर मैं आपको इसका बैक दिखाऊं तो बैक दोस्तों अभी के जितने भी फ्रिज आ रहे हैं, ये टॉप अभी जो 2023 का नया मॉडल फ्रिज है, ये बैक में आपको पूरा पैक देखने को मिलेगा। किसी तरह का कोई भी इसमें आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर कंप्रेसर दिया हुआ है, 236 लीटर का कंप्रेसर है दोस्तों। इसी जो यहाँ पर कंप्रेसर रहती है इसके आपको 20 साल का वारंटी देखने को मिलेगा। ये जो आप यहाँ पर बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो इसकी डस्ट होती है, जो वाटर होती है, जो रेस्ट वाटर होती है, वो यहाँ पर जमा होता है। आप इसे हर साल एक बार में सर्विसिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये थी इसकी पीछे की जो मैं आपको बताया। हम बात करते हैं कि इसमें आपको अंदर क्या देखने को मिलेगा। जो अंदर में जो खास होती है, क्वालिटी होती है, वही मेन होती है फ्रिज की। तो ये पहला, मैं आपको पहला डोर अगर खोल के दिखाऊं तो आप इस जगह पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ऊपर का जो दिया हुआ है ये स्पेशल आइस के लिए दिया हुआ है। अगर आप सब फल रखते हैं, अंडा रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो वो तो आपका जम जाएगा। लेकिन इस चीज़ में आप अंडा रखने के लिए अलग चीज़ दिया हुआ है,
इस जगह पर आप कोई भी चीज़ जो ज़्यादा टेम्परेचर में आपको रखना हो, जिसे आप जमा के रख सकते हैं, उस यहाँ पर आप आराम से इसे रख सकते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें आप लोहे की चीज़ ना रखें, तो यहाँ पर सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, टेम्परेचर सेटिंग रिकमेंडेटर सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस जगह पर, यहाँ पर आपको एक कूल पैड देखने को मिलेगा दोस्तों, ये जैसे आप देख रहे हो, तो इसमें आप यहाँ पर इस जगह से आप पानी भर के, जैसे आप देखे होंगे आइस बकेट जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये जब लाइन आपकी कट जाए तो भी ये इसके अंदर की जो क्या है, इसमें एक लिक्विड है दोस्तों, जो लिक्विड जो है वो लाइन रहती है, जब आपकी जब करंट रहता है फ्रिज में तब ये जम जाती है, और जब आपकी करंट ख़त्म हो जाती है तो ये आपको कम से कम 2 से 3 घंटे, पूरा फुल एक दिन आप इसमें आराम से ये चीज़ को ठंडा रख सकती है। तो ये इसमें दिया हुआ है स्पेशल, इसमें लिक्विड देखने को मिलता है, इसे हम लोग फ्रिज, आप समझ रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप अगर रेगुलरली यूज कर रहे हैं, आपका करंट आपके फ्रिज में है, तो आपका ये वाला जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा दिन हुआ कि आप दिन भर लाइन अगर आपका कट गया, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ी देर ये चला के रख देगा, ठंडा रख सकता है दोस्तों। तो ये था पहले ऊपर, यहाँ पर आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, कुछ जो ठंडी आपको जमानी हो बर्फ में वो रख सकते हैं, और एक इसमें एक्सटर्नल आपको यहाँ पर अलग से आइस के लिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, मूवेबल आइस मेकर यहाँ पर दिया हुआ है अलग से, इसमें आप इस जगह पर इसे प्रेस करके खोल के आप यहाँ पर इसे जो कोई आइस क्यूब होती है वो आप इसमें आराम से जमा सकते हैं। इसको बस आपको पानी यहाँ डाल के ऐसे कर देना है। और अगर ये दोस्तों ये यहाँ पर अगर आप किसी कटोरे या आइसक्रीम जमाना चाहते हैं कोई गिलास में, या फिर अपने आप होम मेड आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। इसमें रख के आप बहुत जल्दी इसे टेम्परेचर ला सकते हैं, ऐसे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी है इसमें। ये था ऊपर का, ऊपर में कुछ ज़्यादा कारीगरी की चीज़ नहीं है, तो हम लोग इसे बंद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके नीचे क्या दिया हुआ है, अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये नीचे का डोर मैं खोला हूँ, जैसे मैं बताया डबल डोर लिया हुआ हूँ। तो नीचे में आपको सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके इस जगह पर, तो ये आपको यहाँ पर सारे ग्लास देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ऑल राउंड कूलिंग देखने को मिलेगा, ये जो इसमें से कूल जो निकल रहा है वो सब पूरे तरह से इसे एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये ऑल राउंड कूलिंग, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको पूरी की पूरी ग्लास, इसकी जो बॉडी है दोस्तों वो पूरी की पूरी ग्लास दी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। आप इस जगह पर अपना कुछ सामान रख सकते हैं, इस जगह पर बड़े सामान रख सकते हैं। अब टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें आपको, तो यहाँ पर आपको ये अभी मैं नॉर्मल में अगर रख दूं यहाँ पर, तो ये कोल्ड दिख रहा होगा आपको कि ये हल्के से नॉर्मल में, आपको नॉर्मल यूज के लिए आप अगर ठंडे के दिन में यूज करते हैं तो आपको इस जगह पर रख के आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद हो तो आप ऑप्टिमल यहाँ पर रख सकते हैं। और फूल आपको अगर बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए, बर्फ़ जमाने वाला चाहिए, तो ये दोस्तों आपको एयर भी कूल करेगा और ऊपर जो जैसे बर्फ़ जमती है वो भी कूल करेगा। दोनों ये टेम्परेचर एक ही नोब में दिया हुआ है, तो ये टेम्परेचर इसकी दी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी स्लाइड होती है, इसे आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको लंबी लंबी बोतल रखनी हो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप स्लाइड करके, जैसे अगर आपको एयर अपना एयर प्यूरीफायर है, एयर कूलिंग करना है, आपने सब्जी रखे हुए हैं या बहुत दिन से आप फ्रिज खोले नहीं हो, आपका अगर लाइन कट गया तो आप इसे यूज ओपन करके इस जगह से स्लाइड करके आप इसके रख सकते हैं, ताकि इसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बाहर होती रहे, आपकी सब्जी की सड़ गले कुछ वैसे कोई दिक्कत ना हो। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप सब्जी रख सकते हैं, इसमें आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, अपने यूज के घर के सारे यूज के चीज़ रख सकते हैं। ये था इसका नीचे का। यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता है, डोर स्विच, जो आपकी डोर बंद होती है तो ये यहाँ पर काम करती है। और इस जगह पर बात करें तो यहाँ पर आप अपना कुछ बोतल रख सकते हैं, यहाँ अंडा रख सकते हैं सारे। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको हाइजीनिक्स लेके टेक्नोलॉजी, इस फ्रिज में आपको हाइजीनिक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया है, सारे सामान इसमें हाइजीनिक रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। तो आप दोस्तों अगर 25,000 के अंदर अच्छे फ्रिज लेने की सोच रहे हैं अपने घर के लिए, अच्छे रेफ्रिजरेटर लेने की सोच रहे हैं, तो आप इस सैमसंग का इसके तरफ जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो गाइस उतना कुछ तो इसमें खास बताने लायक नहीं था, जो था मैं बता दिया आपको। बाकी इसमें सैमसंग के तरह अगर आप लेते हैं तो सैमसंग के तरफ से आपको इंस्टॉलेशन और डेमो मिलता है लेने के 2 दिन बाद, आप चाहे ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन ले, दोनों में आपको इंस्टॉलेशन डेमो देखने को मिल जाएगा। और भी दोस्तों अगर आप ये फ्रिज लेते हैं तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा वारंटी आप बढ़ाना चाहते हैं, 1 साल तो ऐसे इसका वारंटी दिया हुआ है, बल्कि 20 साल आपको सिर्फ कंप्रेसर पर ही देखने को मिलेगा। तो और आप अगर वारंटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे फ्लिपकार्ट ले रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप वहाँ से वारंटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा फ्रिज जो मैं आज आपको वीडियो में दिखाया, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सैमसंग का फ्रिज यूज करते हो तो, और नहीं भी यूज करते हो तो भी बताना, अगर आपको नया लेना हो तो आप ये फ्रिज ले सकते हैं। तब तक के लिए
मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।